सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द कैसी व्लॉग्स, वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत दिनों से आप लोग मेरे चैनल पे बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स है। तो आज मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ट्रिपल बैटल, किसकी किसकी है। हॉर्नेट 2.0 NS 160 BSX एंड यहाँ पे है बीच में रॉयल एनफील्ड, ठीक है। तो रॉयल एनफील्ड की आज बैटल करेंगे इन दोनों से। हालांकि ये ड्रैग के लिए नहीं बनी है, रेस के लिए नहीं बनी है, बट हम फिर भी यहाँ पे ट्राई करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। हम लोग का काम है आप लोगों को परफॉर्मेंस टेस्ट दिखाना, हर बाइक की डिटेल बताना। तो चलिए इन तीनों की हम लोग ड्रैग करते हैं और मिलते हैं सीधे आपसे ड्रैग में। तो चले स्टार्ट करें, चलो खेला खेले। तो ये भाई चला रहे हैं पल्सर NS 160, ये चला रहे हैं 2.0 और हम चला रहे हैं रॉयल एनफील्ड। भारी बंदे को भारी गाड़ी पकड़ा दी गई है, तो कोई बात नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका सारा लूंगा, थोड़ा थोड़ा सा सहारा मिल जा, थोड़ा सा मिल जा, मिल गया, थोड़ा सहारा मिल चुका है। सारा डेजर्ट, ये नीरज भाई आ गए एकदम और ये निकल गए। ये कुंदन भाई भी आ गए। ओ भाई ये क्या हो रहा है भैया, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भैया, ये क्या हो रहा है। भाई मजेदार बैटल, अरे इतनी जल्दी क्यों रोक दिया, भगाना चाहिए था आखिरी तक। चलो कोई बात नहीं, भाई को पता नहीं था कहां तक हम लोग भगाते हैं। ये भी पहली बार कर रहे हैं यहाँ पे रेस। तो अभी यहाँ पे जो रिज़ल्ट है ना, वही है एज़ यूजुअल, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। ट्रिपल जब होती है ना तो यहाँ पे एक एडवांटेज मिल जाता है, और एडवांटेज मिलने के बाद ये होता है कि ये थोड़ा सा आगे चली जाती है। तो आगे चल के रोकते हैं और बात करते हैं आप लोग से। रिज़ल्ट जो है ना भैया, रिज़ल्ट पहली दूसरी तीसरी, तो पहली रही NS, दूसरी और तीसरी। थोड़ा मैंने स्लिप स्विमिंग करते हुए मतलब गाड़ी को मेंटेन रखा, पीछे ही रखा, इसके ज़्यादा पीछे नहीं गया मैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से अब, और मैं चलाऊंगा यही। तो हम लोग फिर से वही चीज़ करने जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो गई थी। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। ये दोनों राइडर चेंज कर रहे हैं, देख लो। हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। भाई साहब क्या बात है भाई, आपने तो एकदम गदर ही काट दिया। इस बार दोनों लोग निकल लिए हैं भाई, इस बार मैं कोई एडवांटेज नहीं ले पाऊंगा, बहुत आगे हैं, बहुत आगे हैं, बहुत। स्लिप स्विमिंग का एडवांटेज नहीं मिल पाया मुझे। Oh no! Oh no! Oh my God! अब क्या ही कर सकते हैं भाई, कुछ नहीं किया जा सकता। कुंदन भाई तो पीछे ही छूट गए होंगे।
मैं गया, वही दोनों की बैटल है मेन, अपनी कोई बैटल नहीं है इसमें। 130 तक फिर भी पहुंच रही है ये। बहुत आगे है, रुके हुए रेप्सोल का तगड़ा कंपटीशन। विदाउट स्लिप स्ट्रीमिंग रॉयल एनफील्ड नहीं निकल सकती है। विदाउट स्लिप स्ट्रीमिंग इट्स वेरी डिफिकल्ट। बहुत कठिन है, बहुत। तो भाई यहाँ पे ना स्लिप स्विमिंग का मौका मुझे मिला नहीं तो मैं बहुत पीछे रह गया। ये अगल बगल थी, हाँ ये दोनों अगल बगल, इन्हीं की लड़ाई चल रही थी, हम पीछे दर्शक बने हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे ना रॉयल एनफील्ड ही चलाऊंगा मैं, और थोड़ा स्टार्टिंग क्या होगी मेरी, थोड़ी हेड स्टार्ट होगी, मैं पहले ही निकल जाऊंगा तब मुझे थोड़ा एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, इनको हेड स्टार्ट दे दिया हमने और चलिए इस बार, इस बार शिफ्टिंग शिफ्टिंग बड़े शिफ्टिंग। तो मैं पहले निकल गया हूँ लेकिन देखते हैं कुछ फायदा होता है कि नहीं। पीछे हम लोग बहुत, ये जीत गया, ये 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 बहुत पीछे हम लोग में। मैं जीत गया। ओ भैया पास आ गए लोग तो। अरे भाई साहब सुंदर भाई, बाय बाय। ओ भाई बहुत तेजी से निकले, एडवांटेज नहीं मिल पाया मुझे, एडवांटेज नहीं मिल पाया। बहुत तेजी से निकल गए भाई। यार भैया हमारे एकदम कातिलाना अंदाज में दबाए पड़े, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एडवांटेज लिया है मैंने, ज्यादा आगे नहीं जाने दिया है। बहुत ज़्यादा एडवांटेज नहीं मिल पाया, तो यहाँ पे ज़्यादा पीछे नहीं हूँ बट फिर भी कुछ ज़्यादा एडवांटेज नहीं मिला। तो रॉयल एनफील्ड को हारना तय था, लिखा था, तो लिखी हुई चीज़ ना आप बदल नहीं सकते। हाँ रबर से मिटार दीजिए उसको, सामान छोड़ के ताली बजाने लगते हैं। तो यहाँ पे जो रिजल्ट निकल के आया ना वही रिजल्ट है, NS आगे है, हॉर्नेट पीछे। स्टार्टिंग में हॉर्नेट आगे निकल जाती है और जो रॉयल फील्ड है वो तो भैया पीछे चली जाती है, चाहे पहले आगे जाए चाहे पहले बाद में जाए, ठीक है उसको पीछे ही रहना है आखिरी में। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो जाके इंस्टाग्राम में फॉलो कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। टिल देन राइड सेफ, स्टे सेफ, हेलमेट हमेशा पहन के राइड करें, मस्त रहिए, बाय बाय।